सर गुड मॉर्निंग. चलो याद आ रहा होगा तो दिस इज द सेकेंड अमेंडमेंट लेक्चर. कल तक हम लोगों ने कुल 10 चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स कर लिए थे. मैं हूं आपका साथी और दोस्त विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट अकेडमी और हम लोग नवंबर के अमेंडमेंट्स देख रहे हैं. नवंबर कौन सा अटेम्प्ट भाई? नवंबर 2018. जी हाँ, वापस याद दिला दूं, ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी है एज वेल एज न्यू सिलेबस वालों के लिए. हमें जो एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2017. यस और नो? राइट. आई होप आपने अब तक के पहला वीडियो देख लिया होगा और अब बढ़ते हैं आगे. याद आ रहा हो तो लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने लिया था इसके पहले अमेंडमेंट्स में, वो था हमारा सेट ऑफ. क्या तुम्हें याद है? यस और नो? सेट ऑफ के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 11, वो है डिडक्शन. क्या है बेटा? डिडक्शन. अब याद होगा तो आपको कलर कोड भी याद दिला देता हूं. ब्लैक वाला कलर कोड था जो मई में अमेंडमेंट्स थे वो वाले, और रेड वाला जो इस बार नवंबर में आरटीपी के थ्रू नोटिफाई किया होगा वो. तो सर यहां मैंने दो टिक मार दिए, इसका क्या मतलब समझता है जी आपको? दोनों है. यस और नो? यहाँ पे दोनों है और दोनों के ऊपर हम डील करने वाले हैं. आ जाओ जी, सबसे पहला बात कर लेते हैं जो स्पेसिफिकली नवंबर के लिए आया है, और ये आया है सेक्शन 80D के अंदर में. कौन सा सेक्शन बोले जो से? 80D. 80D याद होगा तो ये बात कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस की. बोलो हाँ या सुनो. ये बात कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस की. यहां आया है अमेंडमेंट, जरा देखिए आरटीपी में भी. मैं इसे आपको दिखा देता हूं आरटीपी में. दिस इज ऑन द सेकेंड पेज गिवन बाय अवर ऑनरेबल इंस्टीट्यूट. राइट, उन्होंने सेकेंड पेज पे दिया है और अब हम इसके साथ डील करने जा रहे हैं. जरा समझिएगा क्या था. सर आपको वैसे तो याद होगा, पता होगा, मैं फिर भी एक बार बता दूं. सर सेक्शन 80D के अंदर में चार तरीके के हम लोग बेनिफिट लिया करते थे. याद करो, सबसे पहले क्या था बेटा? हेल्थ इंश्योरेंस. दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. फिर क्या था? एनी अदर अप्रूव्ड हेल्थ स्कीम. एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन, याद है? और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. जी हाँ, तो सेक्शन 80D में अब तक जो मिला करते थे वो थे ये: सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अप्रूव्ड स्कीम, एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. याद होगा तो एक लिमिट भी लगाई गई थी 25,000 की और 30,000 की. क्या तुम्हें याद है? ये है मैक्सिमम लिमिट जिसे हम एक्चुअल के साथ कंपेयर किया करते थे, और 30,000 की लिमिट उन लोगों के लिए थी द असेसी हुए सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, इन लोगों हुआ करते थे. हाँ जी, इस बार से एक और चीज ऐड कर दी गई है, सर्कुलर नंबर. राइट, नॉट सर्कुलर, नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन नंबर 9/2018. कौन सा सर्कुलर बोलो? कौन सा नोटिफिकेशन है बोलो? 9/2018. इसके तहत एक और चीज ऐड की गई है, कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया है इन्होंने. क्या वर्ड यूज किया बेटा? कंट्रीब्यूशन. यानी सीधे शब्दों में ये बात कर रहे हैं, अब इसमें डोनेशन भी अलाउड है. राइट, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सर्विस स्कीम, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ये एकदम नया पॉइंट ऐड हुआ है. कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सर्विस स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. थोड़ा वियर्ड है बट लेट्स अंडरस्टैंड. अब तक उन्होंने सिर्फ आप ही के हेल्थ के ऊपर खर्चे के डिडक्शन दिए थे. पहली बार उन्होंने वर्ड यूज किया है कंट्रीब्यूशन, मतलब डोनेशन टू अदर्स. डोनेशन टू अदर्स, राइट?
डोनेशन किसको किया गया होगा? अगर हेल्थ सर्विस स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की डिपार्टमेंट का जो हेल्थ स्कीम है, अगर आपने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो भी आप इसके डिडक्शंस ले सकते हैं। प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, ये डिडक्शंस उन लोगों के लिए है जो इनके अंदर में वर्क कर रहे होंगे, एटॉमिक एनर्जी के अंदर में वर्क करते होंगे, और उनके एम्प्लॉइज जो इनके अंदर में क्या कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूट। बिकॉज एक आम आदमी जा करके एटॉमिक एनर्जी के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, उससे बेटर उसके पास कई ऑप्शन है यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन करने के हेल्थ स्कीम के अंडर में। तो ये स्पेसिफिकली जो लोग उन सर्विसेज से रिलेटेड होंगे शायद उनके लिए ये बात इंट्रोड्यूस की गई होगी। तो अब तक अच्छा एक बात याद रखिए, ये इंट्रोडक्शन के साथ उनने कोई नई लिमिट नहीं ली है, दिस इज कवर्ड अंडर द ओवरऑल लिमिट ओनली। ये भी एक पॉइंट ओवरऑल लिमिट के अंदर इंक्लूड करके दिया हुआ है, राइट? तो जहां इसके पहले सिर्फ पांच चीजों का डिडक्शन मिलता था 80D के अंदर में, इस बार छह चीजों का डिडक्शन मिलेगा अंडर 80D। कौन सी छह चीजें? पहला हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था, मिलेगा। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम अप्रूव्ड स्कीम, एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। इस साल से क्या नया ऐड किया गया है? एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ एटॉमिक एनर्जी, राइट? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसको एडअप किया गया है अंडर द ओवरऑल लिमिट, राइट? चलो जी, ये है नया, पुराने भी कुछ थे याद करो, पुराने भी कुछ डिडक्शन थे, कहीं कुछ अमेंड हुआ है क्या? हाँ, एक था सेक्शन 80EE, याद आया हो तो, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर का इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा। सर ये इंटरेस्ट अलाउड है क्या? हाँ जी मालिक, अलाउड है। सर ये मुझे लगता है इस बार आ सकता है, क्योंकि पिछले बार का भी अमेंडमेंट था, पिछले बार ही आ जाना चाहिए था, नहीं आया, इस बार आ सकता है। पहला, लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, लोन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 35 लाख, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, and loan is approved in 16-17 financial year, deduction of interest maximum 50,000. Over and above section 24B, over and above सेक्शन 24B, ये सुनो। चलो जी, एज सिंपल एज दैट, आ जाओ आगे। कुछ नया है क्या? कुछ भी नया नहीं है, हमने ये पहले भी देख चुका है। बस सेक्शन 80EE याद करें, द मैक्सिमम इंटरेस्ट अंडर द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल IOBC सेक्शन 24B कितना अलाउड था? 2,30,000, याद आ रहेगा, 2,30,000। ये 2,30,000 के ऊपर एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन दिया गया है, ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दिस इंटरेस्ट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, लोन जो लेना है ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है। याद रखे 24B के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, पर यहां ऐसी कंडीशन है। दूसरा, लोन का वैल्यू 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये अगर फर्दर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, फर्दर लोन अप्रूव 16-17 में होना चाहिए। सर
मेरे को एक बात नहीं समझ में, मैं 18-19 में बैठा हूँ, आप मुझे बोल रहे हो कि यार 16-17 का अप्रूवल होना चाहिए, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। अरे भैया लोन 16-17 में अप्रूव होना चाहिए, हाउस लोन तो करीब 10-20 साल चलता रहेगा ना, और तब तक आदमी इंटरेस्ट पे करता रहेगा, तो सर क्या ये उतने सालों तक के लिए डिडक्शन मिलेगा? यस, उन्होंने बोला लोन 16-17 में अप्रूव होना चाहिए, डिडक्शन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगा ना, जब तक आप दे रहे हो तब तक के, गेटिंग इट और नॉट? सो ये भी एक काम की चीज है, मुझे लगता है आ सकती है, हो सकता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे और आपको ऐसा बोले कि मैक्सिमम इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स कितना अलाउड है, तो आपको 2 लाख तक के 24B में लेना पड़ेगा और 50,000 तक के 80EE में लेना पड़ेगा, गेटिंग इट और नॉट? इस तरीके का वो लोग एडजस्टमेंट दे सकते हैं, सो बी रेडी। चलो जी, अनदर सेक्शन ओल्ड वाला ही बता रहा हूं, 80JJAA, ऐसा कोई सेक्शन पड़ा हुआ लग रहा है, 80JJAA न्यू वर्कमैन, न्यू वर्कमैन असेसी एंगेज्ड, सॉरी असेसी कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, 44AB मतलब उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होना चाहिए मालिक? टैक्स ऑडिट, उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होना चाहिए? टैक्स ऑडिट, क्लियर है? डिडक्शन इज इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ अ न्यू वर्कमैन, डिडक्शन इज इक्वल टू 30% ऑफ द एडिशनल वेजेस ऑफ द न्यू वर्कमैन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू वर्कमैन? न्यू वर्कमैन डू नॉट इंक्लूड पर्सन अर्निंग सैलरी ऑफ मोर देन 25,000 rupees पर मंथ, हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन RPF, सी whose pension is submitted by central government, and D who has worked for less than, पहले यहां एक ही हुआ करता था 240 days, पिछले साल से यहां पे दो एड हो गए 150 days, इन विच बिजनेस बोलो? अपेरल बिजनेस, अदर बिजनेस, सुनो। चलो जी, तो सर वर्ड क्या बोला है, सर ध्यान से सुनिएगा, 30% डिडक्शन मिलने वाला है, कितना परसेंट बेटा? 30% ऑफ एडिशनल वेजेस ऑफ अ न्यू वर्कमैन। न्यू वर्कमैन में कौन आएगा ये नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कौन नहीं आएगा, जिसकी सैलरी 25,000 rupees पर मंथ से ऊपर जा रही हो, जो पार्टिसिपेट नहीं करता हो आरपीएफ के अंदर में, द पर्सन हु हैज हुज पेंशन इज ईदर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हु हैज वर्क्ड फॉर लेस देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज, अगर ये होंगे तो ये वर्कमैन में काउंट नहीं होंगे। अब देखो मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम कैसा दिया होगा इंस्टीट्यूट का, वो आपको बताएंगे हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कमैन इतने रखे हुए हैं, इसमें से ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये 240 दिन से कम काम किए हुए, ऐसे जितने भी क्राइटेरिया दिए हैं आपको माइनस करना है, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय बचे उनका एनुअल सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, एनुअल सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, आपका टोटल वेजेस निकलेगा, टोटल वेजेस का 30% आपको काउंट करना है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल वेजेस? What do you mean by additional wages? Additional wages do
not include. Point number one, retirement benefits, PF contribution. Retirement benefits, PF contribution. If it is done, yes or no? तो इसके अंदर में ये दो चीजें इंक्लूड नहीं होती है. ओके, तो सर हमने ये एक और चीज पढ़ ली. दो जगह मेजर अमेंडमेंट थे पूरे डिडक्शंस के अंदर, एक था ये, दूसरा था ये. अच्छा, इसके अलावा जरा सोच के देखो कहीं अमेंडमेंट था क्या. सेक्शन में आपको याद दिला देता हूं, क्यूक्यूबी में कोई अमेंडमेंट नहीं, आरआरबी में कोई अमेंडमेंट नहीं, डीडीबीडीडी नो, डी लिख लिया, सी ट्रिपल सी 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 डी नो, ये सुनो याद आ रहेगा कुछ. इसके अलावा ATTTA नो. तो मेजरली इसके अलावा कोई अमेंडमेंट्स बचे नहीं है. माइट बी पॉसिबल मैं एक आधी भूल भी रहूंगा, तो एक बार अपने नोट जरूर चेक करना. पर ओल्ड वाले तो सारे भी इंक्लूडेड हो चुके हैं, न्यू वाले तो हमने कराई लिए. चलो जी, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, एडवांस टैक्स. सर क्या कोई अमेंडमेंट है? हाँ सर, पर न्यू कुछ नहीं है, जितना भी है ये सब ओल्ड है. जितना भी है ये सब क्या है बेटा? ओल्ड. तो यहां पे सिर्फ, सॉरी गलत टिक, यहां पे सिर्फ एक ही टिक मार रहा हूं मैं. और अमेंडमेंट भी कहां है मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन 44ADA, प्रोफेशनल शोइंग प्रिजम्प्टिव इनकम आर ऑल्सो लाइबल टू एडवांस टैक्स. याद होगा तो ये चैप्टर पढ़ाते वक्त ही हम लोगों ने आपको क्लैरिफाई कर दिया था. अच्छा, व्हाट इज द ड्यू डेट? 15 मार्च. सर व्हाट इज द परसेंटेज? 100%. सो बस एक ही अमेंडमेंट था, दिस वॉज कवर्ड अंडर सेक्शन 207 एंड 208. एडवांस टैक्स 44ADA वालों पे भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है, मैंडेटरीली 15 मार्च तक 100% पे करना है. ये एक ही अमेंडमेंट था, नया इनके अंदर में कुछ भी आया हुआ नहीं है. चैप्टर नंबर 13, टीडीएस. चैप्टर नंबर 13, टीडीएस. As such, TDS may attempt के लिए कुछ बदला नहीं था, सारी चीजें सेम थी, कॉन्स्टेंट थी, राइट. पर यहां पे यहां से बहुत ज्यादा अमेंडमेंट दिए गए हैं. इस बार इसमें कई चेंजेस लाए गए हैं. आप अगर आरटीपी चेक करेंगे, ये देखिए आरटीपी चेक करेंगे, तो यहां पे टीडीएस रिलेटेड पेज नंबर 2 से लेकर के कहां तक के चल रहा है, पेज नंबर 4 तक के टीडीएस रिलेटेड मैटर ही चल रहे हैं पूरे के पूरे. यानी बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं वो प्रोसीजरल पार्ट में आए हैं. एक बात अंडरस्टैंड कीजिए, टीडीएस में जो चेंजेस आए भी हैं, रेट वाइज कहीं कोई चेंज नहीं है. जो आपने मई में पढ़ा था वही आप कहां पढ़ेंगे? नवंबर में ही पढ़ेंगे. सो रेट वाइज कोई चेंजेस नहीं है, एक बात याद रखिए, रेट वाइज देयर इज नो चेंज. आपने जो पढ़ा था, जैसा पढ़ा था, रेट बिल्कुल वैसा ही है. तो जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, राइट, इंक्लूडिंग मी, आप बिल्कुल वो रेट फॉलो कर सकते हैं, राइट. ये रेट को देखो और अंडरस्टैंड करो, इसमें रेट वाइज कहीं कोई चेंजेस नहीं है. हाँ, एज फार एज प्रोसीजर वाइज यहां पे चेंजेस है, देर आर चेंजेस प्रोसीजर वाइज. कुछ चीजों को क्लैरिफाई करते हुए कि किस पे टीडीएस कटेगा, किस पे टीडीएस नहीं कटेगा, यस और नो, इनके ऊपर फोकस करना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा जरूरी भी है. तो इसके अंदर में हम पहला लेने जा रहे हैं. पहला आया है एक नोटिफिकेशन, काफी ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 5/2017, टीडीएस ऑन माइनर्स
इंटरेस्ट इनकम। एक सवाल पूछा गया टीडीएस ऑन माइनर्स इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। मैं आपको इसके लिए एक चार्ट ही ड्रॉ करके दे देता हूं इस नोटिफिकेशन के तहत, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो कुछ याद दे रहा हूं, माइनर को कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ये माइनर के हाथ में टैक्सेबल होता है या क्लब होता है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स? क्लब होता है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। अब एक सवाल मेरे को बताओ, क्लब होता होगा अगर इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, बराबर है, तो ये नोटिफिकेशन वर्क करेगा क्या? आंसर इज नो। ये नोटिफिकेशन इन्हें तब लाया है जब पेरेंट्स गुजर चुके हैं और माइनर को कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा होगा। यानी यहां से हम दो बातें करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स अलाइव, पेरेंट्स डिसीज्ड। व्हेन आई टॉक अबाउट पेरेंट्स, आई टॉक अबाउट बोथ मदर एंड फादर। अगर अलाइव होगा और इनको कोई माइनर की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, क्लबिंग विल अप्लाई एंड टीडीएस विल बी क्लेम बाय पर्सन इन हुज इनकम द इंटरेस्ट इज क्लब्ड, राइट। तो सर ध्यान से सुनिएगा, मान लो माइनर के नाम पे कोई एफडी रखा, एफडी के ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट। माइनर के नाम पे कोई एफडी रखा, एफडी के ऊपर आ रहा है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट से आने वाला इनकम, सारा इनकम क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। याद करो तो सेक्शन 64(1)(a), अरे हाँ, सेक्शन 64(1)(a) के अंदर में क्लबिंग होता है, और सेक्शन 1032 के अंदर में हर क्लबिंग का डिडक्शन मिलता है 1500 रुपए का। क्या तुम्हें याद है? राइट। अब माइनर को अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा लाइक से एफडी पे, तो ये पूरा का पूरा इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाता था। कैसे क्लब होता था याद करो, इफ पेरेंट्स मैरिज सब्सिस्ट तो द पर्सन हैविंग ग्रेटर इनकम, इफ पेरेंट मैरिज डू नॉट सब्सिस्ट पर्सन हु मेंटेन द चाइल्ड। अब अगर इंटरेस्ट आता था तो जो सामने वाली बैंक होती थी, अगर ये 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट देती थी तो ये टीडीएस कट करके देती थी। याद आ रहा है क्या? सेक्शन 193-194, राइट। तो ये लोग टीडीएस कट करके देते थे। मूवमेंट टीडीएस कट होके मिलता था, जिसकी इनकम में क्लब होता था वो टीडीएस का भी बेनिफिट ले लेता था एक डिक्लेरेशन सबमिट करके, कि बॉस ये इनकम मेरे इनकम में क्लब होने वाला है, तो आई गिव यू अ डिक्लेरेशन कि जो टीडीएस है वो डायरेक्टली मेरे नाम पे निकालो। समझ में आ रही बात? तो वो सिर्फ सामने वाले को एक डिक्लेरेशन देता था, और बैंक क्या करता था, डायरेक्टली टीडीएस का जो सर्टिफिकेट था वो उस पर्सन के नाम पे निकाल देता था जिस पर्सन की इनकम में क्या होने वाला है, क्लब। पर एक सवाल उठा, ये तो तब गेम था जब पेरेंट्स जिंदा है। मान लो अगर दोनों पेरेंट्स गुजर चुके हैं और माइनर को कोई इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा, तब टीडीएस किसके नाम पे काटा जाए और किसके पैन कार्ड के अगेंस्ट में शो किया जाए? द पॉइंट इज नॉट किसके इसमें क्लब होगा, द पॉइंट इज टीडीएस कट कब होगा। आपको क्या लगता है? दिल से बोल के देखो, अगर उसके कोई पेरेंट्स नहीं है तो जो टीडीएस है, बैंक तो टीडीएस काटेगा। देखो बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस कि तुम्हारे पेरेंट्स है या नहीं है, उसकी ड्यूटी बनती है, वो काटेगा ही काटेगा। सवाल ये उठता है वो किसके अगेंस्ट में शो करेगा, किसके पैन के अगेंस्ट में शो करेगा, माइनर के पैन के अगेंस्ट में या लीगल हेयर के पैन के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? यही चीज को क्लैरिफाई करते हुए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन कहता है अगर उन लोगों के तरफ से, दैट इज माइनर एंड इज लीगल हेयर के तरफ से एक डिक्लेरेशन आया होगा कि भैया तुम इसको क्रेडिट करो, तो ही सिर्फ उसको क्रेडिट होगा, अदरवाइज ये माइनर के पैन के अगेंस्ट में शो होगा, अदरवाइज ये माइनर के पैन के अगेंस्ट में शो होगा। यानी क्या, अगर उसके पेरेंट्स जा चुके हैं तो हमें दो चीजें और देनी पड़ेगी। इफ डिक्लेरेशन इज सबमिटेड, if declaration is submitted to credit TDS to another person, अभी another person भी कौन होगा बोलो मालिक, legal heir, then TDS will be against the PAN of
such another person. Against the ban of such another person, if no declaration is given, if no declaration is given, TDS shall be deducted and reported against the ban of minor. TDS will be deducted and shown against the ban of minor. तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है. माइनर को अगर कोई इंटरेस्ट इनका मारा है तो अगर उनको देना है तो वो आपको इस पे क्लबिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं कि बॉस अगर दोनों के पेरेंट्स जा चुके हैं तो टीडीएस इंप्लीकेशन बताओ. मतलब अगर उनको देना भी है तो इसे वो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन में देंगे. केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन में लिख देंगे एक माइनर है, उसके नाम पे एफडी रखी हुई है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन दोनों पेरेंट्स जा चुके हैं. तो पॉइंट नंबर वन, स्पेसिफाई द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग. पॉइंट नंबर टू, टीडीएस इंप्लीकेशन क्या होगा इस ट्रांजैक्शन का. तो वो आपसे दोनों चीज पूछ लेंगे एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर में, तब आपको बताना पड़ेगा. अगर उनने एक डिक्लेरेशन सबमिट किया होगा डिपार्टमेंट को, जाहिर सी बात है एओ के सामने, तो ये उस आदमी के नाम से टीडीएस कट होगा जिस आदमी का नाम उस डिक्लेरेशन में लिखा होगा. अदरवाइज माइनर के नाम के अगेंस्ट में टीडीएस डिडक्ट होगा, कट होगा, और उसी के पैन के अगेंस्ट में इसे क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा. उसी के पैन के अगेंस्ट में इसे क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा. पूरा का पूरा नया पॉइंट, नोटिफिकेशन 5/2017, वेरी वेरी मच एप्लीकेबल फॉर नवंबर अटेम्प्ट. तो अगर आप इधर देखेंगे एक बार आरटीपी देखिए, पर्सन हु आर नॉट, यहां पे है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स और इंटरेस्ट इनकम अक्रूड टू माइनर वेयर बोथ पेरेंट्स हैव डिसीज्ड. ये देखिए, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अक्रूड, ये लास्ट के तीन लाइन पढ़िए, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट income accrued to minor is required to be deducted and reported against the PAN of minor child unless a declaration is filed that credit for tax deducted has to be given to another person. समझ में आई? जब तक कि declaration नहीं दिया गया तब तक कि हमेशा किसके अगेंस्ट में माना जाएगा, minor के अगेंस्ट में ही वो TDS काटा जाएगा और submit किया जाएगा. Is that done? तो ये था पहला चेंज जो आरटीपी में बताया गया है हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा. थैंक्स टू इंस्टीट्यूट, समय समय पे वो ये दे देता है तो हमें पता रहता है अपडेट क्या होते हैं, नहीं तो भगवान ही मालिक है हमारा. तो ये सुनो, चलो जी, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग इज अनादर नोटिफिकेशन